नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह, स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तजा को 10 साल की वैलिडिटी वाला रेगुलर पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने इल्तजा को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे 10 साल की वैलिडिटी वाला रेगुलर पासपोर्ट सौंप दिया। इससे पहले 5 अप्रैल को इल्तजा को संयुक्त अरब अमीरात में पढ़ाई के लिए 2 साल के लिए कंट्री स्पेसिफिक पासपोर्ट जारी किया गया था। पासपोर्ट 5 अप्रैल 2023 से 4 अप्रैल 2025 तक वैध था। पासपोर्ट पर इस बारे में स्टैंप लगा था। इसके खिलाफ इल्तजा ने करीब 1 महीने पहले हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस CID ने पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, इसलिए इल्तजा को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा था। 35 साल के इल्तजा ने पासपोर्ट के लिए अपनी एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं मिलने के बाद फरवरी में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। उनका पुराना पासपोर्ट 2 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो गया था। उन्होंने पिछले साल 8 जून को नए पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दे दी थी। कोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को मामला देखने के निर्देश दिए थे। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले कर्मचारी चयन आयोग पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारी ने कहा, अगर लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट जल्द जारी कर सितंबर तक उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी गई, सरकार को उसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा, कर्मचारी चयन बोर्ड ने फरवरी में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई थी, उसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ। ऐसे में अगर लेवल 1 का रिजल्ट अगले 1-2 दिन और लेवल 2 का रिजल्ट सितंबर के शुरुआती दिनों में जारी नहीं किया गया तो भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को आचार संहिता से पहले पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए आज हमने गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात कर जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो राजस्थान के बेरोजगार प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से सरकार को इसका करारा जवाब देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत में होने वाली G20 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रेमलिन के स्पोक पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि कर दी है। पुतिन ने 2019 में आखिरी बार जापान में हुई G20 समिट में इन पर्सन से शिरकत की थी। 2020 में रियाद और 2021 में रोम में हुई समिट में भी पुतिन वर्चुअली शामिल हुए थे। 2022 में बाली में हुई समिट में भी रूसी राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। पुतिन की जगह फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव नई दिल्ली आएंगे। समिट 9 और 10 सितंबर को होगी। साउथ अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स समिट हुई, इसमें भी व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए। उनकी जगह फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने ही शिरकत की थी। इस समिट में भी पुतिन के शामिल होने पर आखिरी वक्त तक सस्पेंस था। बाद में होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका ने खुद ही साफ कर दिया था कि रूस के राष्ट्रपति जोहान्सबर्ग नहीं आएंगे। दरअसल ब्रिक्स समिट में पुतिन के शामिल होने को लेकर होस्ट साउथ अफ्रीका पोशोपेश में था। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन पर हमले और वॉर क्राइम्स को लेकर रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट जारी कर चुका है। पुतिन अगर जोहान्सबर्ग आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का खतरा था, लिहाजा साउथ अफ्रीकी और रूसी राष्ट्रपति के बीच एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद पुतिन की गैर मौजूदगी के बारे में जानकारी दी गई। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने शुक्रवार को अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। रिपोर्ट में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में उसकी 24 इन्वेस्टिगेशन यानी जांच में से 22 फाइनल और 2 इंटरिम है। सेबी ने बताया कि इन 2 इन्वेस्टिगेशन पर बाहरी एजेंसियों से जानकारी मिलने का इंतजार है। इंटरिम जांच में अडानी की कंपनियों की 13 विदेशी यूनिट्स शामिल थी। मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि जांच के फाइनल नतीजों के बाद ही आगे उचित कदम उठाए जाएंगे। सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPI पर 5 देशों से डिटेल्स मांगी है। FPI लिस्टेड कंपनियों में नॉन प्रमोटर्स पब्लिक शेयर होल्डर्स के ग्रुप का एक कंपोनेंट है। सेबी के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों को कम से कम 25% MPS बनाए रखना होगा। सेबी ने 14 अगस्त को अडानी हिंडनबर्ग मामले की पूरी जांच करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन का समय और मांगा है। ये दूसरी बार है जब सेबी ने शीर्ष अदालत से इस मामले की जांच के लिए
अतिरिक्त समय मांगा है। हाईवे पर आवारा पशुओं के चलते होने वाली परेशानी को लेकर हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक से शपथ पत्र पेश करके बताने को कहा है कि NHAI ने अब तक हाईवे पर आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश AG मसीह की खंडपीठ ने अधिवक्ता ताराचंद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान PIAL में अन्य तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 4 अक्टूबर तक टालते हुए NHAI से शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा। याचिका में कहा गया कि जयपुर से कोटा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाईवे पर पशुओं को बचाने के चक्कर में कई बार दुर्घटनाओं में लोगों की मौत भी हुई है। हाईवे दोनों तरफ से खुला होने के चलते यहाँ कई आवारा पशु आसानी से आ जाते हैं। इसी तरह अन्य हाईवे पर भी आवारा पशुओं के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। NHAI की जिम्मेदारी है कि वह हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करे। इसके बावजूद भी NHAI अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में सफल नहीं हुई है। हाईवे पर वाहन चलाने के लिए टोल वसूला जाता है, लेकिन सड़कों के हालात खराब हैं। हाईवे पर टॉयलेट नहीं है, जो है उनकी साफ सफाई समय पर नहीं होती। कई टोल बूथ पर एक से ज़्यादा लेन बंद रहती है, जिसके चलते टोल पर आए दिन जमावड़ा लगा रहता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।